नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, मैं लेकर आऊंगा आपके लिए सोलर पीकेपी का रिव्यू, उसका परफॉर्मेंस रिव्यू कि कैसा चल रहा है निफ्टी सोलर पीकेपी का परफॉर्मेंस और कैसा चल रहा है बैंक निफ्टी सोलर पीकेपी का परफॉर्मेंस। और हम कंपेयर करने वाले हैं इसे निफ्टी इंडेक्स के परफॉर्मेंस से कि निफ्टी ने कितना मूवमेंट दिखाया जब से हमने सोलर पीकेपी स्टार्ट किया है और हमारे सोलर पीकेपी ने कितना प्रॉफिट कमाया, सेम बैंक निफ्टी के साथ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है हमारे सोलर पीकेपी में। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का रिव्यू करते हैं जिसको मैंने पहले स्टार्ट किया था। तो आप टॉप में देखेंगे 9 जनवरी 2023 को मैंने स्टार्ट किया था। उस दिन निफ्टी 20 का प्राइस था 197 रुपीज 67 पैसा, और लास्ट ट्रेडिंग डेट 28 अप्रैल को, जब तक मैंने रिकॉर्ड किया है अपना सोलर पीकेपी में सारा ट्रांजेक्शन, पिछला ट्रेडिंग डेट था वो, उस दिन निफ्टी 20 का प्राइस था 197 रुपीज 29 पैसा। यानी कि जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया और लास्ट ट्रेडिंग डेट तक निफ्टी में अभी भी प्लस में मूवमेंट नहीं आया है, वो -0.19% पे है। और अब देखते हैं कि सोलर पीकेपी में क्या प्रॉफिट्स आए हैं और उसका कंपैरिजन कैसा दिखता है। तो जैसा आपको पता होगा, ओवरऑल इन्वेस्टेबल कैपिटल इसमें 10 लाख रुपीज है। अभी मेरा करंट इन्वेस्टमेंट इसमें है 4,62,000, और मैक्स इन्वेस्ट इसमें हुआ था 5,62,000, क्योंकि जब मैंने एलकेमिस्ट में 1 लाख और इन्वेस्ट किए थे तो उससे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मेरा अभी तक 5,62,000 पहुंच गया, जिसमें लिक्विड बीज के 50,000 भी इंक्लूडेड है ये करेंटली इन्वेस्टेड और मैक्स इन्वेस्टेड में, क्योंकि वो लिक्विड बीज ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज होता है, उसका जो मार्जिन मनी आता है। और अभी मेरे पास पैसा बचा हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए 5,37,000। करेंट मार्केट वैल्यू मेरे पूरे पोर्टफोलियो की, इस वाले की, 4,62,000 है। प्रॉफिट मैंने कितना बुक कर लिया है, 9,595। और इसे परसेंटेज में देखें करंट इन्वेस्टेड का, तो वो बनता है अराउंड 2%, और मैक्स इन्वेस्ट जो मेरे पॉकेट से हुआ है वो बनता है 1.71%। कुछ लोग इसे उससे भी कंपेयर करना चाहते हैं कि कितना कैपिटल ब्लॉक करके रखा है, तो वो खुद कैलकुलेशन कर लें कि 10 लाख में कितना बन के आता है। ओवरऑल आइडिया ये है कि अगर आपने 10 लाख एक साथ पूरा इन्वेस्ट कर दिया होता पहले दिन को, जब आप पीकेपी स्टार्ट करें 9 जनवरी को, उस दिन से देखिए निफ्टी में नेगेटिव मूवमेंट है, यानी कि आपने कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया होता। वर्सेस यहाँ सोलर पीकेपी में, क्योंकि हम फेज वाइज इन्वेस्ट करते हैं, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं, जब मार्केट टूटता है उसका फायदा ये हुआ कि हम प्रॉफिट बुक कर पाए हैं। तो उस नजरिए से इसको जरूर देखना, पीकेपी वर्सेस सोलर पीकेपी को समझने के लिए, और क्यों मैं पीकेपी से अब सोलर पीकेपी में मूव कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो गया परफॉर्मेंस। और जिन्होंने पिछला रिव्यू देखा होगा उसमें प्रॉफिट बुक ज्यादा था, अभी कम कैसे हो गया? तो आपको जैसा पता होगा कि मैं सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट आपके साथ शेयर करता हूँ। शेयर मार्केट में प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेस होते हैं, लेकिन हम जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, जो मैं बनाता हूँ, जो महेश सर से सीख के बनाता हूँ और बाकी एक्सपीरियंस से सीख के बनाता हूँ, इस तरह से बनाता हूँ कि लॉसेस हो, लॉसेस को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि लॉसेस अगर हो तो उन लॉसेस को रिकवर कैसे करना है। तो अब समझते हैं कि लॉसेस हुए कहाँ पे और यू नो प्रॉफिट किस किस सेक्शन में कैसा आया, इसका ब्रेकअप बताता हूँ, जो ये 9,595 का प्रॉफिट है। तो मंथ वाइज मैंने इसे ब्रेकअप दिया है और स्ट्रेटेजी वाइज, क्योंकि आपको पता होगा इसमें पीकेपी में हम इन्वेस्ट करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, एल्केमिस्ट वाला ईटीएफ खरीद के बेचते हैं, और टोटल प्रॉफिट। तो जनवरी में पीकेपी में कोई प्रॉफिट नहीं आया, ऑप्शंस में हमने 2,323 रुपीज कमाए, एल्केमिस्ट में इन्वेस्ट ही नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ओवरऑल 2,323 जनवरी का प्रॉफिट था। सेम थिंग फेब्रुवरी के लिए, पीकेपी में कोई प्रॉफिट नहीं, ऑप्शंस में 5,200 का प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट 5,200। मार्च में जहां आपने नोटिस किया होगा निफ्टी काफी गिरा और लगातार गिरता रहा था, काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो रखे थे मार्केट में, समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केट कहाँ जाके रुकेगा। लगातार 8 डेज तक रेड कैंडल बनाए हैं निफ्टी ने, जो बहुत रेयर है, क्योंकि यूजुअली जब निफ्टी गिरता है तो बीच में कभी कभी ग्रीन कैंडल्स आ जाते हैं, लेकिन लगातार 8 कैंडल्स इतना कॉमन नहीं है, मतलब रिसेंट मार्केट में तो इतना कॉमन नहीं है रिसेंट ईयर्स में। तो वहां पे हमारा एक पुट, जो कि मेरी शीट में अभी आपको दिखाऊंगा, वो इन द मनी हो गया था। तो जैसा मैंने कहा, अगर आप स्ट्रेटेजी शीट में वापस जाएंगे, उसमें मैंने लिखा है कि हम पहले तो ये कोशिश करते हैं कि ऐसा पुट सेलेक्ट करें जिसके चांसेस कम हो इन द मनी जाने के, लेकिन हम हमेशा 100% राइट हो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो कभी कभी पुट इन द मनी चले भी जाते हैं, जैसा कि मार्च में हुआ। इनफैक्ट वो ट्रेड भी देख लेते हैं, और मार्च में हमारा लॉस हुआ ऑप्शंस में 11,000 रुपीज का, और पीकेपी में कोई प्रॉफिट नहीं, एल्केमिस्ट में भी कोई प्रॉफिट नहीं, तो यानी कि मार्च हमारा लॉस में क्लोज हुआ। लेकिन अप्रैल में, क्योंकि फिर निफ्टी भागा उसके बाद और हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया था, तो एज पर स्ट्रेटेजी अगर हमें पुट में लॉस होता है तो हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे पास रिजर्व पड़ा है कैपिटल, हम सारा कैपिटल शुरू में लगा के नहीं बैठे हैं। तो वहां पे पीकेपी में जब मार्केट वापस भागने लगा, नीचे के लेवल से ऊपर आने लगा, हमें पीकेपी में 8,284 का प्रॉफिट हुआ, ऑप्शंस में उस महीने में 2,000 का प्रॉफिट हुआ, और एलकेमिस्ट भी, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर चुके थे, मार्केट इतना, इंडेक्स इतना गिरा था, एलकेमिस्ट की स्टेज एक्टिवेट हो गई थी, तो
हमने एलकेमिस्ट में भी 3,378 रुपीज कमाए, एक ही एलकेमिस्ट की स्टेज एक्टिवेट हुई थी उसमें इतना कमाया, तो टोटल अप्रैल में हमने 13,665 कमाया, यानी कि मार्च में जो लॉस हुआ था उसको रिकवर भी कर लिया और उसके ऊपर 2,000 एक्स्ट्रा भी कमा लिए। तो इसलिए मुझे ये स्ट्रेटजी बहुत टेंशन फ्री लगती है क्योंकि इसमें रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है और हमारे पास कैपिटल ऑलमोस्ट हर मार्केट कंडीशन में होता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब ये वाला ट्रेड भी मैं आपको अपनी शीट में दिखा देता हूँ जो मैंने सोलो पीकेपी की शीट मेंटेन कर रखी है। तो ये वाला है निफ्टी सोलो पीकेपी, तो पीकेपी के प्रॉफिट्स तो मैंने आपको दिखाई दिए, यहाँ पे सब रिकॉर्ड है। लास्ट के दो दिन में अप्रैल में प्रॉफिट आया, उससे पहले कोई प्रॉफिट नहीं आया था, सिर्फ हम इन्वेस्ट करने में लगे हुए थे। ऑप्शंस में ये जो रेड में आप देख रहे हैं ये है वो वाला ऑप्शन जिसमें लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ 13,598 है लेकिन क्योंकि हमारे दूसरा ऑप्शन सेम मंथ में मार्च के मंथ में प्रॉफिट में भी गए थे, ये जो नेक्स्ट है, तो दोनों का मिला के 11,000 जो भी फिगर मैंने आपको भी दिखाया वो था, जो कि यहाँ पे 11,618 नेगेटिव यानी कि लॉस। बाकी जो सारे ट्रेड्स हमने पुट में लिए वो सब प्लस में क्लोज हुए। तो होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क है और रिस्क मैनेज करके जब हम चलते हैं तो हम लॉसेस को रिकवरी कर लेते हैं। तो यही स्टोरी इस सोलो पीकेपी में निफ्टी में हमें दिख रही है। थोड़ी देर में हम बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, उसमें देखेंगे कि कोई भी पुट और कोई भी कॉल जो हमने राइट किए थे इन द मनी नहीं गए। तो जो स्टडी है मेरी कि RSI के लेवल्स को देख के, सपोर्ट्स को देख के और बाकी सारी चीजें देख के जब हम पुट और कॉल राइट करते हैं सही समय पर, हमारा इन द मनी होने का चांसेस बहुत कम होता है। और हाँ, अगर जब हो जाता है उसके लिए हम कवर लेकर चलते हैं, हमारे पास कवर होता है। तो यहाँ पुट में हमारा कैश सिक्योर्ड पुट होते हैं, मतलब अगर लॉस हो जाए तो हमारे पास और कैश होता है ETF खरीदने के लिए और उस ETF की रिकवरी आने पर हमारा लॉस जो हुआ होता है वो रिकवर हो जाता है, ठीक है। और एलकेमिस्ट में आप देखेंगे ये 15 मार्च को फर्स्ट एलकेमिस्ट हमने खरीद लिया था और 12th मार्च को 28 डेज में हमने उसे बेच दिया 3.38% के प्रॉफिट पे। तो ये स्टोरी थी हमारे पीकेपी निफ्टी की अभी तक। तो अभी भी हम प्रॉफिट में हैं, ऑल्दो हमने लॉस भी किया है ऑप्शन में, लेकिन ओवरऑल हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। और अब जैसे जैसे निफ्टी भागता रहेगा और प्रॉफिट बुक होते रहेंगे और फिर अगले दो महीने बाद मैं फिर से निफ्टी वाला और बैंक निफ्टी वाला आपके साथ शेयर करूंगा परफॉर्मेंस। अब कुछ लोगों ने मुझसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सोलर पीकेपी को क्योंकि हम बिना ऑप्शन ट्रेडिंग के भी कर सकते हैं, अगर कोई बिना ऑप्शन ट्रेडिंग के कर रहा होता उसका किस तरह का प्रॉफिट आता। तो उसमें बेसिकली करना क्या होता है, जो लोग कुछ लोग कंफ्यूज भी थे कि बिना ऑप्शन ट्रेडिंग के कैसे करना है, सब कुछ सेम है कि पीकेपी में करना है, बाय ऑन डिप्स करना है, जब 4% पीकेपी गिर जाए तो पहला एलकेमिस्ट खरीदना है, उसे 4% पे बेचना है, वो सारा का सारा प्रोसेस सेम है। सिर्फ एक चीज आपको बाहर निकाल देनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है, बाकी कोई चेंज नहीं है दोनों स्ट्रेटजीज में। तो आइए अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट होते अगर ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने नहीं की होती तो क्या रिजल्ट आए होते। तो पीकेपी में ऑफकोर्स सेम प्रॉफिट रहता क्योंकि वहां का इन्वेस्टमेंट तो सेम है, एलकेमिस्ट में भी सेम लेवल पे एलकेमिस्ट बाय करते और सेल करते वो भी सेम रहता, ऑप्शंस वाला मैंने यहाँ पे निकाल दिया। और जो ऑप्शन में लॉस हुआ था 2000 का, ठीक है, वो लॉस नहीं होता, यानी कि हमारा ओवरऑल प्रॉफिट उसके कंपेरिजन में 11,663 का होता। तो आप यहाँ पे कंपेरिजन देख सकते हैं और परसेंटेज वगैरह मैंने भी आपको यहाँ पे दिखा दी है कि जो करंटली इन्वेस्टेड होता, यहाँ पे करंटली इन्वेस्टेड कम है 50,000 क्योंकि लिक्विड बीज नहीं खरीदे होते मैंने। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए लिक्विड बीज खरीदता हूँ और उन्हें प्लेज करके मार्जिन लेता हूँ, तो वो 50,000 मैंने यहाँ पे कम करके कैलकुलेशन आपको दिखा दी है कि इतना प्रॉफिट होता और ये परसेंटेज रहती, ठीक है, आप इसे एनालाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी वाले सोलो पीकेपी में। तो बैंक निफ्टी मैंने स्टार्ट किया था 25 जनवरी 2023 को, उस दिन प्राइस था 426 बैंक बीज का और लास्ट ट्रेडिंग डे 28 अप्रैल को 436.60 रुपीज, यानी कि बैंक बीज में एप्रिसिएशन हुआ है वो बड़ा है 2.49% से। और हमारा इन्वेस्टमेंट ओवरऑल इन्वेस्टेबल कैपिटल अब मैंने चेंज करके 7,50,000 कर दिया क्योंकि जुलाई से ये लॉट साइज चेंज हो रहा है बैंक निफ्टी का, 25 से 15 बन जाएगा, इसलिए अब हमारा ओवरऑल इन्वेस्टेबल कैपिटल मैंने कम कर दिया है क्योंकि मुझे अब उतना नहीं इन्वेस्ट करना है क्योंकि लॉट साइज चेंज हो गया है। करेंटली मेरा अभी 2,75,000 इन्वेस्टेड है, मैक्स मेरा इन्वेस्टमेंट गया था 3,75,000 क्योंकि इसमें भी एलकेमिस्ट बाय आया था, ठीक है, और जो सेल कर चुका हूं इसलिए वो मैक्स इन्वेस्टेड और करंट इन्वेस्टेड में 1,00,000 का डिफरेंस है। और करंट मार्केट वैल्यू 2,75,000 है, बुक प्रॉफिट 26,000 रुपीज इसमें हमने बुक किए हैं। इसमें टाइम पीरियड कम है कंपेयर टू जो निफ्टी में मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था, तो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का आपने परफॉर्मेंस देखा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 3 मंथ्स का ही है क्योंकि मंथ एंड पे मैंने जैन में स्टार्ट किया था, तो जैन एंड से लेके अप्रैल एंड 3 मंथ्स होते हैं, तो 3 मंथ्स में बैंक निफ्टी में 26,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो करंट इन्वेस्टमेंट पे देखें आप इसे तो ये बनता है 9.47% और मैक्स जो मेरे पॉकेट से इन्वेस्ट हुआ उस पे बनता है 6.94%। अगेन जिन लोगों को 7,50,000 पे देखना है कितना परसेंट है वो खुद परसेंटेज निकाल सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक्ड अमाउंट दिया हुआ है उसके हिसाब से।
मैं सिर्फ यही देखता हूँ कि मेरा जेब से पैसा कितना लग रहा है, उस पर कितना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ रहा है, उस तरह से मैं जज करता हूँ। इसलिए मैं वो परसेंटेज नहीं निकालता कि 7,50,000 पे कितना होता, बट एनी वन हु वॉन्ट्स टू डू इट कैन डू द कैलकुलेशन ऑन देयर ओन। अब इसके ब्रेकअप को देख लेते हैं जो बैंक निफ्टी में आया है। ठीक है, पीकेपी में हमारा 6,482 का हुआ, मंथ वाइज आपको यहाँ दिख रहा है। ऑप्शंस में यहाँ पे आपको मंथ वाइज दिख रहा है क्या क्या हुआ, किसी भी मंथ में लॉस नहीं हुआ। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कैसे दिख रहा है जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो बेसिकली जब मैं अपने ऑप्शन ट्रेड्स रिकॉर्ड करता हूँ, जो भी एक्सपायरी डेट जिस मंथ में पड़ रही होती है, मैं मानता हूँ कि उस प्रॉफिट को मैं उस मंथ में रियलाइज करूंगा, क्योंकि हो सकता है वो इन द मनी चले जाए और वो प्रॉफिट की जगह लॉस में कन्वर्ट हो जाए, तो इसलिए मैं उस मंथ के लिए रखता हूँ। ठीक है, इसलिए ये मैं आपको दिख रहा है क्योंकि मेरे 25 मई के ऑप्शन मैंने कुछ ट्रेड करे हुए हैं। बाकी एलकेमिस्ट में, इसमें भी एक एलकेमिस्ट की स्टेज एक्टिवेट हुई थी, 1,00,000 रुपीज इन्वेस्ट हुए थे, उसमें हमने प्रॉफिट बुक कर लिया 3,700 का। तो टोटल प्रॉफिट आपको यहाँ मंथ वाइज दिख रहा है, और ओवरऑल जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया 26,000 रुपीज। इसका भी सेम कंपैरिजन कर लेते हैं, अगर हमने बिना ऑप्शन ट्रेडिंग के किया होता तो इसके क्या रिजल्ट्स रहते। पीकेपी में सेम प्रॉफिट, एलकेमिस्ट में भी सेम प्रॉफिट रहता, ऑप्शंस का मैंने यहां से माइनस कर दिया, तो टोटल प्रॉफिट 10,257, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट आया। सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस इनफैक्ट वहीं से आया, 15,000, इसलिए वो जो ओवरऑल 26,000 प्रॉफिट था वो अब यहाँ 10,000 रह गया है। लेकिन उसको भी आप जो लोग बिना ऑप्शन ट्रेडिंग के करना चाहते हैं, आप अगर परसेंटेज देखेंगे तो ये भी अमेजिंग परसेंटेज है विस अवेस, अगर आप इसे कंपेयर करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स में जो अप्रिसिएशन हुआ है, जो भी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 2.49% हुआ था अप्रिसिएशन, और यहाँ पे 3.15% हुआ है, यानी कि इंडेक्स को ये बीट कर रहा है। आप अगर ऑप्शंस के साथ करें तो ज्यादा अच्छे से बीट कर रहा है, अल्फा ज्यादा जनरेट होता है, अगर आप बिना ऑप्शन के कर रहे हैं तो भी ये इंडेक्स को बीट कर रहा है। ठीक है, अब आपने मेरा अगर कल का वीडियो देखा है, इसमें हमने एक नया इंटीग्रेशन किया है जो कि है सोलर पीकेपी विद ईटीएफ शॉप, जो कस्टमाइज्ड 12 ETF की शॉप है, उसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपने देखा नहीं है। उसके बाद अब क्या रिटर्न्स आएंगे अगले रिव्यू में आप वो भी देख पाएंगे कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, क्या कोई प्रॉफिट बुकिंग हुई। ऑलराइट दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, इसके परफॉर्मेंसेस अच्छे लग रहे हैं। मेरे लिए तो ये अभी नंबर वन स्ट्रैटेजी बनी हुई है, क्योंकि टेंशन फ्री मैं इसमें ऑप्शंस भी ट्रेड कर पाता हूँ, और मुझे हर मार्केट में ट्रेड करने का मौका मिलता है, और ये ETF शॉप ऐड करने के बाद तो मेरा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इसमें जो आइडल मनी था वो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो आगे जाके देखते हैं कैसा रहता है, बट अभी के लिए सोलो पीकेपी इज वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रैटेजीज। ओके दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मेरे से कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।